नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज पर पहुंचा। सोशल मीडिया में पिस्टल के साथ फोटो डालना एक युवक और उसके गिरोह को महंगा पड़ गया। पुलिस अब युवक को पकड़कर पूछताछ की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिससे 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दरअसल बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को यह सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस हरकत में आ गई। जांच पड़ताल की तो पता चला कि लक्ष्मण बाग बगीचे में अवैध तरीके से पिस्टल के साथ फोटो खिंचाकर युवक ने पोस्ट किया। संबंध में जानकारी जुटाने पर युवक हरी पांडे, जो कि चिरहला कॉलोनी का रहने वाला है, उसको पकड़कर पूछताछ की, जिसके कब्जे से पिस्टल बरामद हो गई है। पकड़े गए युवक ने बताया कि सतना निवासी शशांक पांडे निवासी पतेरी से उसने पिस्टल खरीदा था। युवक के बताए हुए पते पर छानबीन करने पर आरोपी शशांक पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक अन्य पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती गई और मोहम्मद अफजल निवासी सोहावल जिला सतना, हिमांशु उर्फ अज्जू सिंह निवासी अकौना नागौर जिला सतना पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनकी तलाशी लेने पर पिस्टल और देसी कट्टा बरामद हुआ है। और इसी तरह से पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 3 पिस्टल और देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया। पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि आए दिन सोशल मीडिया में अवैध हथियार रखने वालों के द्वारा फोटो वायरल की जा रही है, जिनके खिलाफ स्वतः संज्ञान में लेकर पुलिस ने इसके पहले भी कार्रवाई की है। बताया जाता है कि पकड़े गए सभी आरोपी अवैध हथियारों की खरीद फरोख के संबंध में कारोबार से जुड़े हुए थे, जो कि पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। हालांकि पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी है कि ये हथियार रीवा संभाग में कहां से आ रहे हैं। वहीं अगर कड़ाई से पूछताछ की गई तो निश्चित तौर पर ही बड़े हथियार तस्करी का खुलासा हो सकता है। सबसे पहले जो जानकारी में आया वो सोशल मीडिया से जानकारी में आया कि इस बंदे ने अपना फोटो वेपन के साथ में डाल रखा है, जन्मदिन मना रहा, उसी को ध्यान में रखकर इस चीज को ट्रेस किया गया। पहले उस व्यक्ति को ट्रेस किया गया, फिर उसके नेटवर्क को ट्रेस किया गया। इसमें हमारी साइबर टीम के बीरेन सिंह और उनकी टीम के द्वारा भी सहयोग भी सराहनीय कार्य किया गया। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पहले जो घर ज्यादा होता था अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस तरह के लोग हैं जो मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पे पेपर के साथ उन्होंने फोटो डाल देते हैं, जिससे दिखाना चाहते हैं लोगों में एक अपना गया रुतवा या बदमाश होने का इच्छा में छोड़ना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं। इसी तरह का फोटो थोड़ा मिला था और हम लोग लगातार हमारे पुलिसकर्ताओं को ये सूचनाएं मिल रही थी कि आसपास के क्षेत्र में व्यापन के बारे में लोगों को जो बदमाश टाइप के लोग हैं खरीद फरोख में लगे हुए हैं और व्यापार अपने पास रखना चाहते हैं, बड़ा शौक रहता है नंबर पेपर रखना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। गत रात्रि में भी इस तरह की सूचना मिली कि एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर फोटो ग्राफ आया था एक व्यक्ति का, उसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, पत्थराइज कर रही थी। इसी क्रम में लक्ष्मणपुर के पास में एक लक्ष्मणबाग के पास एक सूचना आने पर थाना प्रभारी को हमारे पीछे आए थे जगदीश सिंह ठाकुर, उनको जानकारी मिली कि वहाँ पर 4-5 लोगों का एक गैंग है जो हथियारों की खरीद फरोख में लगा हुआ है। इस तरह से वो वहाँ पर सूचना को तस्दीक हुई, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, एसपी साहब को बताया और एसपी साहब के द्वारा हमारे जो सीएसपी साहब हैं शहर के और थाना प्रभारी की टीम के साथ वो उनको वहाँ अब लगातार नजर रखकर उनको घेराबंदी करके पकड़ने के लिए लगाया गया। थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुँच कर देखा गया हुआ और जब ये पुलिस को एकदम से वहाँ अपने आस पास देखते तो उन्हें भागने का प्रयास कर लिया। थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा घेराबंदी करके सभी लोगों को पकड़े गए। आरोपियों में से 5 आरोपी वहाँ पर मिले, जिनकी उम्र लगभग 21-19 साल के आसपास की है। इसमें से एक आरोपी पीछे थाना क्षेत्र के चिरहला मंदिर के पीछे का रहने वाला है और बाकी 4 आरोपी सतना जिले के हैं। इन 4 आरोपियों से ये 3 नाइन पिस्टल मिली 32 गोल की, जिसमें 2 कारतूस भी थे, 1 देसी कट्टा मिला 12 गोल को, 4 जिंदा कारतूस मिले 12 गोल के, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, एएसआई एसएनगर, प्रधान आरक्षक जय सिंह, महेंद्र पाठक, अश्वनी शुक्ला, आरक्षक देवराज सिंह, दिलीप सुफल द्विवेदी, केशव प्रसाद तिवारी, सैनिक राम सिया,
इन्होंने श्राम भूमिका निभाई है और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर हम तैयार निश्चित रूप से अगर इनको पकड़ा नहीं जाता अगर इनके पास हथियार ही रहते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी बड़ी वारदात का अंजाम देते या किसी अपने ऐसे विरोध रखने वाले के ऊपर हमला करते और उसकी जान को खतरे में डालते। सर ये हथियार इनके पास कैसे आया? इसी संबंध में हम लोग बहुत सारे जानकारियां मिली हैं जो अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते। इस हथियार थरोपी हथियार बिक्री करने वाले गैंग के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। सर आरोपी ने ये बताया कि वो कब से इस काम में जुड़े कर रहे काम? ये क्या है कि आरोपियों से जो पूछताछ की जा रही है इस संबंध में आप लोगों से मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें अभी अभी उनके आप लोगों के सामने और मीडिया के सामने ओपन नहीं किया जा सकता, पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर ये सोशल मीडिया में जिसकी फोटो वायरल हुई थी तो मुख्य आरोपी यही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन तिलक एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा।